नमस्कार दोस्तों, फिल्म आदि पुरुष सिनेमा घरों में लगते ही विवादित बन गई है। इसका मुख्य कारण है फिल्म के डायलॉग। लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। लोगों का कहना है कि फिल्म की कास्टिंग और फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही भद्दे हैं। ऐसे कई डायलॉग्स हैं जो बहुत ही भद्दे हैं, उनमें से कुछ डायलॉग हम आपको बताना चाहते हैं। इससे पहले हम आपको यह बता दें कि फिल्म के सारे किरदार और सारे डायलॉग मनोज मुंतशिर शुक्ल ने लिखे हुए हैं और यह फिल्म डायरेक्टर ओम राउत के निर्देशक पे बनी हुई है। ये बहुत ही बिग बजट की मूवी है। इसमें अनुमानित है कि लगभग 600 करोड़ की लागत लगी हुई है। इसमें एक डायलॉग का ज्यादा विरोध किया जा रहा है, जिसमें हनुमान लंका गए हैं और वह माता जानकी से मिलते हैं और माँ जानकी को राम जी द्वारा दी गई अंगूठी और आश्वासन देते हैं। इसके बाद रावण की सेना उनको पकड़ लेती है और मेघनाद उनके पूंछ में आग लगाते हैं और मेघनाद पूछता है, जली? इसके जवाब में हनुमान जी कहते हैं, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। इस डायलॉग को हनुमान जी के द्वारा कहे जाने पर लोगों का गुस्सा जाहिर हो रहा है। लोगों का ऐसा मानना है कि इसमें हनुमान जी से अभद्र भाषा का प्रयोग करवाया गया है। हम आपको हनुमान चालीसा की एक दोहा बताते हैं, जिसके तहत हम ये समझ पाए कि हनुमान जी को हम किस रूप से देखते हैं। वो दोहा है, बुद्धहीन तनु जान के सुमरे पवन कुमार, बल विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ है, जहाँ तक मेरा समझना है, इसका अर्थ होगा, हे पवन कुमार, हे हनुमान जी, मैं आपको सुमिरन करता हूँ, मैं आपको याद करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर, मेरी बुद्धि निर्मल है, कमजोर है, इसलिए आप मुझे बुद्धि दें, शारीरिक बल दें, ज्ञान दें और मेरे दुखों और दोषों का विनाश करें। अगर आप हनुमान जी से यह उम्मीद रखते हैं तो आप जरूर इस डायलॉग से दुखी होंगे, क्योंकि आप जिन हनुमान जी से यह उम्मीद रखते हैं, अगर उन्हीं पर क्वेश्चन खड़े हो जाएं कि वो ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह हनुमान जी को मानने वाले लोगों के लिए उचित नहीं होगा। इसीलिए हनुमान जी को मानने वाले लोगों के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। उनका कहना है यह उचित नहीं है और उनका यह भी कहना है कि इससे पहले की जो रामायणों में हनुमान के प्रति किरदार दिखाया गया है, वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब हम दूसरे डायलॉग्स पर पहुंचते हैं। यह संवाद है जब हनुमान जी लंका से लौटकर राम जी के पास आते हैं तो राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि क्या हुआ, मतलब आप जहाँ गए थे वहाँ के बारे में बताएं। इसके जवाब में हनुमान जी कहते हैं, बोल दिया, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी हम लंका लगा देंगे। इसमें भी हनुमान जी से एक भद्दे तरह से कहलवाया गया है। इसका भी लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। एक और भी भद्दा डायलॉग, यह डायलॉग है अशोक वाटिका का, जहां पर हनुमान जी जाते हैं और अशोक वाटिका में घुस जाते हैं। तब उनसे एक राक्षस कहता है, डायलॉग ये है, ये लंका क्या तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। इस डायलॉग पर भी लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर भी कहा गया है कि सही तरीके से इसको पेश नहीं किया गया है, ये गलत सोच को निर्देश दे रहा, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा पब्लिक का मानना। एक और डायलॉग है जहाँ पर इंद्रजीत लक्ष्मण से कहता है, डायलॉग ये है, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाक को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा हुआ है। इस डायलॉग पर भी लोगों का बहुत ज्यादा नाराजगी है। एक और ऐसे ही एक और डायलॉग है जहां पर रावण का भाई विभीषण रावण से कहता है, डायलॉग ये है, भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे। ऐसे ही और कई डायलॉग है जिन पर पब्लिक फिल्म मेकर्स को ट्रोल कर रही है। लोगों का यह कहना है कि फिल्म में हनुमान जी और अन्य किरदारों से सही तरह के डायलॉग नहीं कहलवाए गए। हनुमान जैसे किरदार को लोग अपना भगवान मानते हैं और भगवान से गलत शब्द सुनना यह भगवान के ऊपर सवाल खड़े करने जैसा है। लोगों का इस फिल्म के कॉस्ट्यूम पहनावे पर भी नाखुश है, नाराजगी है। लोगों का यह मानना है कि सही तरह से पहनावे का भी ध्यान नहीं दिया गया है इस फिल्म में। इस फिल्म का विवाद भारत के कई राज्यों से, कई शहरों से हो रहा है, यहाँ तक कि इस फिल्म का विवाद नेपाल देश से भी हो रहा है। खबर यह आई है कि नेपाल के कुछ जगहों में इस फिल्म को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपने अपने कमेंट जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें। हम आपसे मिलते हैं अगले रोचक भरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।